कार्यक्रम आज हमारे देश के और संविधान के रचनाकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। इसमें आज मूर्ति का अनावरण किया गया है, पहला मूर्ति अनावरण है और इसमें हमारे समाज के सभी लोग मिल के एकजुट होकर हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं और कोशिश हम लोग करेंगे कि बाबा साहेब के द्वारा जो हम लोग को रास्ता दिखाया गया है, संविधान के द्वारा जो हमको रास्ता दिया गया है, उस रास्ते को हम ले कर चलें, उसके उनके कहे हुए उनके लिखे हुए शब्दों को वाक्यों को संविधान के अनुसार जो भी हम दिशा निर्देश दिया गया है उसको हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे और समाज में कोशिश करेंगे कि एकजुटता हो, समरसता हो, शिक्षा की तरफ बढ़ें। देवी देवताओं को लोग पूजते हैं, हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाना है, शिक्षा को अग्रसरित करना, पढ़ाना लिखाना है जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ के नौकरी करें, भविष्य में अच्छा काम करें। कहाँ से प्रेरणा मिली थी सर ये लगाने के लिए, प्रतिमा लगाया गया? प्रतिमा लगाने के लिए जितने भी देश हमारे देश में सभी लोग लगाते हैं, अपने अपने महापुरुष के प्रतिमा लगाते हैं और हम लोगों को जो है जो संविधान जो भारत के भविष्य को जो दिशा देने का काम किया, संविधान की रचना किए, तो इसमें सारे लोग अपने अपने देवी देवताओं को मूर्ति लगाते हैं, पूजते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमारा अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग कहाँ होते। हम लोग जिस जगह पर बोलने का जो अधिकार मिला है इनके द्वारा लिखित संविधान के अनुसार मिला है, अगर यह संविधान नहीं लिखा हुआ होता तो हम लोग को बोलने का भी अधिकार नहीं होता। तो सब मूर्ति पूजा करते हैं, अपने पूर्वज की पूजा करते हैं, हम भी अपने पूर्वज की पूजा कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से हम अपील करेंगे कि कोशिश या हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सभी लोग से अपील करना है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए और आगे अच्छा काम करे और पढ़े लिखे और नौकरी करे या जो भी हो, जिससे कि हमारे समाज में हम लोगों को कोई हेय दृष्टि से नहीं देखे। मेरा नाम अनिल कुमार, पंचायत जामिन मठिया।